यह किस्सा है उस मराठा सैनिक का जिसने शिवाजी महाराज के दुश्मन को कैद से भगाया। यह किस्सा है उस गुर्जर का जिसकी पुत्री को शिवाजी महाराज ने अपनी पुत्र वधू बनाया। यह किस्सा है उस सेनापति का जिसने सिर्फ 6 सैनिकों के साथ 15,000 की फौज पर हमला बोल दिया। सन 1615 में सतारा के एक गांव में जन्मे प्रताप राव का असली नाम कुर्तोजी गुर्जर था। वे मराठा सेना के सेनापति थे। मराठे भारत भूमि से विदेशी ताकतों को खदेड़ रहे थे। मराठा साम्राज्य का दायरा बढ़ाते हुए मराठों ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से हथिया लिया। बीजापुर पर आदिलशाही वंश का राज था। सुल्तान ने पन्हाला वापिस पाने के लिए बहलोल खान की अगुवाई में एक ताकतवर फौज को रवाना किया। बहलोल खान की सेना ने पन्हाला को घेर लिया। पन्हाला आदिलशाही फौज की सांसें महसूस कर रहा था। छत्रपति ने प्रताप राव को पन्हाला को मुक्त कराने के लिए भेजा। प्रताप राव ने पन्हाला को छोड़ आदिलशाही राजधानी बीजापुर पर हमला बोल दिया। उस समय बीजापुर की रक्षा के लिए वहां कोई सेना नहीं थी। बहलोल खान पन्हाला को छोड़ बीजापुर की इज्जत बचाने के लिए भागा, लेकिन प्रताप राव ने उसे बीच रास्ते में उमरानी के समीप घेर लिया। बहलोल खान की सेना की रसद व हथियारों की खेप जब्त कर प्रताप राव ने उस पर अपना शिकंजा कस दिया और उसकी आधी सेना को कयामत के दिन के लिए सुला दिया। प्रताप राव ने वापस मराठा साम्राज्य की तरफ कभी आंख न उठाने के वचन पर उसे छोड़ दिया। सांप को आधा कुचलने की यह गलती उन पर भारी पड़ने वाली थी, लेकिन इतिहास के ललाट पर उन्हें सूर्य की तरह चमकाने वाली थी। छत्रपति शिवाजी ने बहलोल खान जैसे शत्रु पर दिखाई गई उदारता पर प्रताप राव को क्रोध भरा पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मुझसे बिना पूछे तुमने क्यों बहलोल खान को कैद से छोड़ दिया। तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। जब तक वापस बहलोल खान को न पकड़ लो हमारे सामने मत आना। धूर्त बहलोल खान पुनः अपनी सेना को संगठित कर पन्हाला की तरफ चल दिया। नेसरी के पास दोनों का आमना सामना हो गया। प्रताप राव पर शिवाजी महाराज के उस पत्र का गंभीर प्रभाव हुआ था। प्रताप राव के पास सिर्फ 1200 सैनिक थे, जबकि बहलोल खान की सेना में 15,000 सैनिक थे। यह मराठों का आत्महत्या करने जैसा था। प्रताप राव ने बाकी की सेना को वापस भेजा और अकेले बहलोल खान के रक्त की प्यासी तलवार लेकर 15,000 की फौज पर टूट पड़े। 6 सैनिक और उनके साथ इतिहास में अमर होने उनके पीछे हो लिए। उसके बाद मराठों ने जो रक्त स्नान किया वो बेहद भयंकर था। सातों मराठे रुद्र बन गए थे, क्योंकि सामान्य सैनिक बर्बर आक्रांताओं की इतनी बड़ी फौज के सामने आने का विचार भी मन में नहीं ला सकते थे। जिस आवेग से सातों मराठे फौज को काट रहे थे, मानो परशुराम का क्रोध उन्हें कुछ क्षण के लिए मिल गया हो। 15,000 आक्रांताओं में अपनी जान बचाने के लिए ऐसी भगदड़ मची जैसे 7 सैनिक नहीं 7 सिंह टूट पड़े हो। धरती लहू पीती जा रही थी, सातों सिंह लहू बहाते जा रहे थे। 7 अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस आए थे। लग रहा था कि आज ये सातों मराठे इस फौज का खात्मा करके ही मानेंगे। अंत उन्हें पता था, लेकिन वे अपने छत्रपति के लिए बलिदान होना चाहते थे। वे अपने वतन के लिए न्योछावर होना चाहते थे। वे स्वराज के बगवे को ओढ़कर लंबी नींद सोना चाहते थे। प्रताप राव के सभी शेर देह त्याग चुके थे। प्रताप राव के शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां से लहू नहीं बह रहा हो। फिर भी प्रताप राव के जोश में थोड़ी सी भी कमी नहीं थी। प्रताप राव को घेरे में लेकर कायर पेड़ियों ने उस सिंह पर चारों ओर से वार की। प्रताप राव की देह में अपने वतन को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। प्रताप राव की मृत्यु का सबसे अधिक दुख शिवाजी महाराज को हुआ। प्रताप राव के परिवार से सदा के लिए नाता बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पुत्र राजा राम का विवाह प्रताप राव की पुत्री के साथ किया।